प्रदेश में एक और जहां सरकार माफियाओं पर सख्ती बरतते हुए कार्रवाई कर रही है, तो वहीं रीवा में इन दिनों रेत माफिया खुलेआम शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिले के हनुमना में कलेक्टर ने सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है। बावजूद इसके रेत माफिया शासन के आदेशों को चुनौती देते हुए रेत ले जा रहे हैं, जिस कारण रास्ता भी पूरी तरह से खराब हो चुका है। रेत माफियाओं पर अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। वहीं जब ग्रामीण माफियाओं का विरोध करते हैं तो माफिया खुलेआम ग्रामीणों को धमकी देते नजर आते हैं। गाड़ियां हम लोग नहीं रुकवाए हैं, जाम लगी है यहाँ पे, इसके लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। बहुत धूल दस्त सब उड़ता है, बहुत परेशान है यहाँ के लोग। नो एंट्री है, फिर भी गाड़ी वाले यहाँ पे मान नहीं रहे, जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। ठीक है ना? नहीं, ये जो गाड़ियाँ खड़ी है इसमें बालू लोड है, ओवर लोड बालू है। हाँ। जी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में हम क्या कहें, अब आप क्या बताएं? अभी तो आपने किसी व्यक्ति का नाम ले रहे थे कि इनके द्वारा डेविड सिन्हा जब गाड़ी चलवा रहे हैं यहाँ पे। जी, आप लोगों के द्वारा विरोध क्यों नहीं किया जाता? विरोध किया जाता है हम लोगों के द्वारा। यहाँ के जो कुछ लोग हैं वो बोलते हैं नामजद रिपोर्ट डलवाएंगे। डेविड सिंह है कौन? डेविड सिंह बहरी के हैं। बहरी के हैं जी। और आपके गांव में आकर के आप लोगों को धमकी दे रहे हैं? हाँ, कि नामजद रिपोर्ट डलवा देंगे। क्यों डलवा देंगे? जो गाड़ी तुम लोग रुकवाओगे यहाँ पे। समस्या ये है सर जी कि यहाँ पे इतना ओवरलोड गाड़ियाँ चल रही हैं, एक नहीं 200-300 पर डे का है। क्या ओवरलोड में क्या जा रहा है? बालू जा रहा है, बालू गिट्टी भपसी यही सब जा रही है। ये तो नो एंट्री का टाइम चल रहा है। हाँ, नो एंट्री का है, कलेक्टर का आदेश भी आ गया है। क्या आ गया? कि यहाँ पे गाड़ी इस जड़कुड़ से पिपराही मार्ग में बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, सब गाड़ियाँ हनुमना बॉर्डर होते हुए जानी चाहिए, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। नहीं तो आपने क्या कलेक्टर को सूचित किया? हम लोग कई बार पिपराही इसमें भी किए, पुलिस चौकी में, हनुमना थाने में भी सूचना दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं।